प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड एंड प्रेस द बेल आइकॉन। डिजिटल वर्ल्ड और नदी मंच की पेशकश 12वीं टीसी म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 जमात चहारुम के तलबा के लिए सबक नंबर 6 बहुत खूब। एक बादशाह था, उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खूब कहूँ तो उसे 1,000 रुपयों की थैली इनाम में देना। एक दफ़ा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा जो अपनी ज़मीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने एक मसाहिब से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है लेकिन अब भी उसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, तब उन पर फल आएंगे, क्या वो इनके फल खाने तक जिंदा रहेगा? बादशाह की बात सुनकर मुसाहिबों ने कहा, हुजूर बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो, उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह के हुक्म से बागबान को उसके सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर मेरी उम्र 84 साल है। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है कितने दिन और जियोगे? हुजूर कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का वक्त कोई नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और ज़िंदा रहूँगा। और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। जब तुम इन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर इन्हें क्यों लगा रहे हो? हुजूर अल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं करता। बागबान ने बाग के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ, अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। बहुत खूब, बादशाह ने बेसाख्ता कहा। बादशाह की ज़बान से बहुत खूब निकला तो उसके मुसाहिब समझ गए कि बादशाह को बागबान का जवाब पसंद आ गया है। मुसाहिब ने फौरन 1,000 रुपयों की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और बोला, बड़े मियाँ हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा इनाम है। बूढ़े बागबान ने 1,000 की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा, हुजूर मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे लेकिन मुझे तो आज ही इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बादशाह को बागबान का ये जवाब भी पसंद आया। मुसाहिब ने उसे एक और थैली इनाम में दी। दूसरी थैली पाकर बागबान ने गर्ज की, हुजूर मेरे ये पौधे तो साल में एक बार फल देंगे लेकिन मुझे इसी वक्त 2 बार इनका फल मिल गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह को ये जवाब इतना अच्छा लगा कि 2 बार उसने बहुत खूब कह दिया। मुसाहिब ने इस बार 2 थैलियाँ उसे थमा दी। बूढ़े ने सर झुकाकर वो थैलियाँ भी ले ली और बोला, हुजूर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है तो उसका पूरा मुल्क खुशहाल होता है। मैंने ये बात कानों से सुनी थी, आज अपनी आंखों से देख ली। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बादशाह बूढ़े के जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी जबान से बहुत खूब निकल पड़ा। उसने बागबान से कहा, बड़े मियाँ अब तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बागबान ने कर्ज किया, हुजूर हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो सरकार पानी का माकूल इंतज़ाम फरमा दें ताकि बागबानों और किसानों को राहत मिले। तुम ठीक कहते हो, बादशाह ने कहा और पूरे मुल्क में नहरें जारी करने का हुक्म दे दिया। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में नहरों का जाल सा भिज गया, जगह जगह कुएं खुदवाए गए, मुल्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा।